भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में अगर आप लो बजट सेगमेंट में एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का हमारा ये खास सेगमेंट आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि इन 7 दिनों में मारुति सुजुकी और रेनो ने अपनी स्टाइलिश लुक वाली एंट्री लेवल कारों को लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा आज आपको ये भी बताएंगे कि सितंबर महीने में कैसा रहा कार और बाइक्स की बिक्री का हाल। तो बहुत कुछ है बताने को, शुरू करते हैं आज का हमारा खास सेगमेंट ऑटो वीकली रैप। सबसे पहली खबर की बात करें तो मारुति सुजुकी ने अपनी एस्प्रेसो को भारत में लॉन्च कर दिया है। सामने से देखने पर यह आपको एक एसयूवी की तरह लगती है, इसीलिए कंपनी इसे मिनी एसयूवी भी कह रही है। इसमें 998 सीसी का K10B पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 पीएस की पावर और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 2-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। खास बात यहाँ यह है कि इसमें BS6 मानक वाला इंजन दिया गया है। एंट्री लेवल में ये एक शानदार लुक वाली गाड़ी है, जिसमें 10 से भी ज्यादा नए सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये अपने सेगमेंट में एक ऊंची कार है। इसमें डायनेमिक सेंटर कंसोल के साथ आपको बड़ा बूट स्पेस मिलता है। मारुति एस्प्रेसो की शुरुआती दिल्ली शोरूम कीमत 3.69 लाख रुपए है, जो इसके टॉप एंड वेरियंट पर 4.91 लाख रुपए तक जाती है। मारुति एस्प्रेसो के लॉन्च के 24 घंटे बाद ही रेनो ने अपनी 2019 मॉडल वाली क्विड फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया। इसका रियर सेक्शन पुरानी क्विड जैसा ही है, लेकिन इसके फ्रंट में कंपनी ने भारी बदलाव किए हैं। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो नई रेनो क्विड पहले से और भी ज्यादा स्टाइलिश हो गई है। रेनो क्विड का फेसलिफ्ट मॉडल 0.8 लीटर और 1 लीटर इंजन के साथ आता है। इसका 0.8 लीटर का इंजन 54 BHP की पावर और 72 Nm का टॉर्क पैदा करता है। वहीं 1 लीटर का इंजन 67 BHP की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स से लैस है। वहीं 1 लीटर इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मिलता है। कंपनी ने इसमें BS4 इंजन दिया है। रेनो अगले साल इसमें BS6 इंजन शामिल करेगी। रेनो क्विड फेसलिफ्ट की शुरुआती दिल्ली शोरूम कीमत 2.83 लाख रुपए है, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट पर 4.84 लाख रुपए तक जाती है। ह्यूंडई ने अपनी 2019 वर्जन वाली एलेंट्रा फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि एलेंट्रा फेसलिफ्ट कंपनी की पहली BS6 इंजन वाली सेडान है। इसके साथ ही यह देश की पहली फुली कनेक्टेड प्रीमियम सेडान बन चुकी है। इसकी शुरुआती कीमत 15.89 लाख रुपए है, जो 20.39 लाख रुपए तक जाती है। इसमें 1999 सीसी का 4 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है, जो 150 BHP की पावर और 192 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। इसके अलावा आपको इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प मिलता है। अब बात करते हैं कि सितंबर महीने में कार कंपनियों का क्या हाल रहा, तो इसका जवाब अब भी वही है कि सभी बड़ी कार कंपनियों की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर महीने में मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टाटा, होंडा और महिंद्रा जैसी बड़ी कार कंपनियों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही ऑटो सेक्टर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन तकनीक में बदलाव और महंगी कीमत ने सबसे ज्यादा असर डाला है। हालांकि ऑटो इंडस्ट्री में सुधार के लिए सरकार ने हाल ही में कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इनका असर क्या होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आखिरी खबर की बात करें तो 4-व्हीलर की तरह ही 2-व्हीलर सेगमेंट में भी गिरावट देखने को मिली है। सितंबर महीने में सुजुकी को छोड़ दिया जाए तो हीरो, TVS और बजाज जैसी बड़ी कंपनियों की बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मारुति एस्प्रेसो और रेनो की क्विड फेसलिफ्ट में कौन सबसे ज्यादा पसंद आई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सप्ताह। नमस्कार।